अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आप लोगों के पास अगर नया नया ड्राइविंग लाइसेंस है और आपकी सैलरी लो है तो आपने करना है क्या? अगर आपको फाइनेंस वगैरह चाहिए तो बात होकर क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि 5-6 हज़ार दरहम की या 7-8 हज़ार दरहम के अंदर अपने किसी दोस्त वगैरह से लेके उधार वगैरह पकड़ के गाड़ियाँ ले लेते हैं। और बाद में क्या होता है, गाड़ियाँ कुछ कई दिनों बाद कुछ मसला करने लगती है, कभी इंजन मसला हो गया, कभी कभी कुछ मसला हो गया वगैरह वगैरह। अब बहुत सारे मसले मसाइल होते रहते हैं मैकेनिक्स पार्ट्स में। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी सैलरी 3 हज़ार दरहम या 3 हज़ार दरहम, 3500 दरहम, 4 हज़ार दरहम है तो उसके लिए आपने फाइनेंस वगैरह लेना है। तो आप कौन से बैंक से ले सकते हो, कौन सा बैंक सुटेबल है जो आपको आपकी लो सैलरी पर आपको फाइनेंस देगा? अभी आप पर्सनल फाइनेंस भी ले सकते हैं, आप ऑटो फाइनेंस भी ले सकते हैं। तो DIB इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं आपको सबूत के साथ मैं दिखाता हूँ आपको कि DIB लो सैलरी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन आपकी शर्त ये है कि आपकी कंपनी लिस्टेड हो, यानी आपकी कंपनी के अंदर कुछ ऐसे लोग ना हो जिनकी वजह से कंपनी का नाम बदनाम हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको प्रूफ के साथ, आपको पर्सनल फाइनेंस भी और ऑटो फाइनेंस भी आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। तो ये मैंने बेसिकली वेबसाइट खोली हुई दुबई इस्लामिक बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट, आप लोग देख सकते हैं DIB.AE पर्सनल ऑटो फाइनेंस। तो आप ये देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंस, तो यहाँ पे इनकी देखें अवेलेबल न्यू कार एंड यूज कार, नो सैलरी ट्रांसफ़र। इसके लिए आपको कोई अकाउंट की ज़रूरत नहीं, आप लोग डायरेक्ट फुली डिजिटली काम कर सकते हैं आप लोग इस पर। और दूसरा अल इस्लामी ऑटो फाइनेंस है जिसमें आपकी सैलरी मिनिमम देखें यहाँ पे बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिनिमम सैलरी 3 हज़ार दरहम आपकी होना चाहिए और 60 महीने की आपको कम अज़ कम इसमें मिल जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 60 महीने की आपको इंस्टॉलमेंट मिल जाएंगी। तो 60 महीने के अंदर अंदर आप इसको तकरीबन अगर आप जैसे 35 से 40 हज़ार की गाड़ी देते हैं अच्छी कंडीशन में, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि गाड़ियाँ वो भी होती हैं जैसे किसी कस्टमर ने ली, उसको पेमेंट नहीं करी, बैंक ने रिकवर कर ली और बहुत बेहतरीन कंडीशन में होती हैं वो गाड़ियाँ। ऑटो इजारा भी, रिसीव अप टू 80% ऑफ द कार वैल्यू, 10 ईयर अप टू 60 मंथ्स, मिनिमम सैलरी 3000, यहाँ पर ऑटो बलून 5000 की सैलरी रिक्वायरमेंट है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा अगर आप फाइनेंसिंग का सोच रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन आपका अल इस्लामी ऑटो फाइनेंस का रहेगा और दूसरा ऑटो इजारा का रहेगा। तो आप इससे अपने लिए बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरा ये कि पर्सनल फाइनेंस भी आप देख लें, ये देखें अप टू 4 मिलियन AED आप लोग ये ले सकते हैं लोन। यहाँ पे सैलरी रिक्वायरमेंट रो है आप देख सकते हैं, ये UAE नेशनल्स के लिए 4 मिलियन का लोन है और एक्सपैट्रिएट यानी इंडिया पाकिस्तान वट एवर कहीं से भी अगर वो हैं तो ये वो अवेल कर सकते हैं अगर उनकी सैलरी 3000 दरहम है। बशर्त ये कि उनकी कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, ये चीज़ें यहाँ वेबसाइट पर मेंशन नहीं होती हैं। तो ये कि वो चेक किया जाता है उनको, तो आपको अप्रूव कर दिया जाएगा 2 मिलियन के अराउंड लोन, लेकिन 2 मिलियन भी हो सकता है नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी ज़रूर गारंटी है कि आपको 50 से 60 हज़ार दरहम आपको मिल जाएगा, क्योंकि मोस्टली मैंने लोगों को इतने लेते हुए देखा। बाकी वो आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी उसके लिए डिपेंड करता है, जैसे जितनी हाई ज़रूरी नहीं है कि हर कस्टमर की 3000 दरहम ही तनख्वाह हो, बहुत सारों की ज़्यादा भी होती है, उनके हिसाब से उनको ये लोन 2 मिलियन दरहम तक का मिल सकता है। इसमें सबसे बेहतरीन खासियत ये है कि आपको पहली पेमेंट करने के लिए आपको 4 महीने के अंदर अंदर आप लोग पहली पेमेंट करवा सकते हैं। देखें फर्स्ट इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट EMI पेमेंट अप टू 120 डेज, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो आप देख लें इस हवाले से, ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको दिखाया ये, ना कि किसी मैंने किसी कोई दो नंबर वेबसाइट या थर्ड पार्टी वेबसाइट पर मैंने नहीं शो कराया। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखें डिपेंडिंग अपॉन योर सैलरी एलिजिबिलिटी एंड एम्प्लॉयर क्लासिफिकेशन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है साफ अल्फाज में, यानी थोड़ा हाईलाइट है। अब मिनिमम मंथली सैलरी ऑफ AED 15,000 ट्रांसफर टू DIB अंडर अ शरिया कंप्लायंट स्ट्रक्चर एंड डॉक्यूमेंटेशन तैयार क्रेडिट ब्यूरो AECB कंसर्न फॉर्म इज मैंडेटरी। अल इस्लामी पर्सनल फाइनेंस इज ऑफर्ड टू सैलरीड कस्टमर, सैलरी ट्रांसफर टू DIB इज नॉट मैंडेटरी। तो ये देखें सैलरीड कस्टमर के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आपकी सैलरी DIB में ट्रांसफ़र हो, लेकिन ये 15,000 वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 15,000 वाला उन लोगों के लिए जिनको कुछ ज़्यादा हाई अमाउंट चाहिए। तो यहाँ पे अप टू एक्सपेक्टेड की जो लिमिट है वो अप टू 2 मिलियन दरहम की है, तो वो उनके लिए है जिनको बड़ा लोन चाहिए 3 लाख 4 लाख वगैरह ऐसा करके, तो ये उनके लिए है ये 15,000 दरहम का। बाकी अगर आप लोगों की सैलरी 3,000 दरहम है तो आप लोग आराम से 50 से 60 हज़ार दरहम आपको मिल जाएगा। तो DIB वो पहला वाइट बैंक है जिसने एडवांस सैलरी को इंट्रोड्यूस करवाया अपने कस्टमर्स के लिए, कि अगर आपको सैलरी की ज़रूरत वगैरह है, आपकी सैलरी डेट अभी आ गई तो आप लोग उनसे विदड्रॉ करवा सकते हैं मेरे एडवांस सैलरी सिस्टम के थ्रू। तो ये बेसिकली DIB के कस्टमर्स के लिए बहुत आम सी बात है, और DIB के बहुत सारे कस्टमर जो ये फैसिलिटी यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया हो किस तरीके से आप लोग अपना फाइनेंस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर सिंपली अपनी डिटेल्स फिल करें, इस जो भी ऑप्शन आपको चाहिए इस्लामी फाइनेंस वगैरह बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लें आपको क्या चाहिए। पर्सनल फाइनेंस वगैरह तो आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा, तो इसके लिए अपने अगर आपके किसी दोस्त वगैरह किसी की नीड वगैरह है किसी फाइनेंस वगैरह की, ऑटो फाइनेंस वगैरह की, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी अपने आपको फाइनेंस कर सकें किसी बैंक के थ्रू, और वो भी एक गाड़ी ले सकें, अपना फाइनेंस फेस कर सकें, या तो अपने बैक होम अपनी फैमिली की हेल्प कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। थैंक यू।